मंत्री जनमेजा सिंह सेखों तो विजिलेंस ने पूछगिछ की है। विजिलेंस की पूछगिछ है, थोड़ी देर दे विच जनमेजा सिंह सेखों तो दोबारा पूछगिछ होगी। मोहाली विजिलेंस दफ्तर दे विच जनमेजा सिंह सेखों उत्थे बुलाया गया है, उत्थे पूछगिछ की जानी है। मोहाली के विजिलेंस दफ्तर दे विच सवाल जवाब होंगे। एक पुराना मामला है इरीगेशन घोटाले का, और पहले गेट च करीब 3 घंटे सवाल होए ने, और हुण दोबारा पूछगिछ थोड़ी देर च फिर की जाएगी। कथित सिंचाई घोटाला है, और इस वेले क्योंकि दोपहर का खाना खान गए ने जनमेजा सिंह सेखों तो 2:30 बजे दोबारा विजिलेंस पूछगिछ करेगी। करीब 1200 करोड़ रुपए का कथित सिंचाई घोटाला है अकाली भाजपा सरकार वेले का। और हुण तक इस मामले के सबका IAS कान सिंह पन्नू, KBS सिद्धू, सबका मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों तो भी पूछगिछ हो चुकी है। जनमेजा सिंह सेखों तो हुण पूछगिछ की जा रही है, क्योंकि जिन्ना चिर 10 साल जो अकाली सरकार सत्ता दे विच रही है तो पहला जी 5 साल का टेन्योर सी उदो जनमेजा सिंह सेखों को सिंचाई महकमे का जिम्मा सी, ते उस तो बाद शरणजीत ढिल्लों नूं इरीगेशन मंत्री बनाया गया सी जदों दूसरी बार सरकार रिपीट की 2012 दे विच। सो इन्हां दोनों मिनिस्टरां दे कोल इह जिम्मेवारी रही है सिंचाई महकमे की, और उसे सिंचाई घोटाले नूं लैके पुछगिछ की जा रही है। जिहड़े सबका IAS नूं बुलाया गया, उन्हां सबका IAS जिहड़े सीगे उन्हां कोल भी महकमियां की जिम्मेवारी रही है। सो करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का एक कथित सिंचाई घोटाला जिहड़ा है वह दस्या जा रहा है। 2012 तो 2017 के दौरान का यह मामला है। उस तो पहला जनमेजा सिंह सेखों को महकमा से, उस तो बाद शरणजीत ढिल्लों को। नपिंदर बराड़ साढ़े सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। नपिंदर की कुछ पता चल पाया, कुछ सवाल जवाब किस तरीके दे ने, की कुछ विजिलेंस पूछ रही है? देखो विजय, जिस तरह कहते ना हले तो सेशन शुरू होया करके, हले जिस तरह जनमेजा सिंह सेखों भी बाहर आए थी तो उन्होंने भी कोई भी जो है इसका जिक्र करने तो इनकार कर दिता, कह के मैं किसी की टिप्पणी हले नहीं कर रही। और दूजी गल कि हले जस्ट उन्होंने लंच ब्रेक कह सकते हैं कि हले तो लंच ब्रेक से गए ने सबका मंत्री साहब, दोबारा हाले उन्होंने आना है। हालांकि 3 घंटे पूछगिछ जी हो चुकी है, पर जेड़ा लंच ब्रेक दे लई भेजा गया तो लगता है कि यह पूछगिछ लंबी हो सकती है। एक सवालों की पूरी लिस्ट होगी विजिलेंस के कोले, क्योंकि जो शुरुआती जांच होंगी है तो उदो कह सकते हैं कि चीजा कई बार जल्दबाजी वाली होंगे, पर यह तो ठंडे नाल क्योंकि कई बंद तो पूछगिछ ऑलरेडी हो चुकी है। एक क्वेश्चन जो पूरा तैयार हो चुका है उसे मुताबिक, क्योंकि जो फैक्ट ने उन्होंने मिलान करने की कोशिश कर रही है विजिलेंस के, जेडे पूछगिछ दौरान बाकी लोगों ने जेडे बयान दिते ने, जरा गुरविंदर सिंह गिरफ्तार होया उसने की किया, या फिर शरणजीत ढिल्लों ने की किया, या फिर कान सिंह पन्नू होर ने की किया, उन्होंने चीजा लगता है कि मिलान करने की कोशिश विजिलेंस वालों की जा रही है। और करीब 20 मिनटों बाद लगता है कि जनमेजा सिंह सेखों एक बार फिर तो आ जाएंगे और पूछगिछ का सिलसिला फिर तो शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद देखते हैं कि की चीजा निकल के सामने आदियां ने। हालांकि जिस तरह पहले जिक्र किया कि जो जनमेजा सिंह सेखों बाहर आए तो वह फिलहाल सहज नजर आते हैं, उन्होंने सुभाव ही कुछ अजिहा ही है कि वह थोड़ा सहज रेंदे ने, घट बोलते हैं, या फिर मीडिया फ्रेंडली नहीं ने ज्यादा, वो तो चुप करके चले गए। पर दूजी बार देखते हैं कि जिहड़ा दूजा सैशन चलेगा सवालों का, उस सैशन तो बाद जनमेजा सिंह सेखों की बॉडी लैंग्वेज की रहेगी, जनमेजा सिंह सेखों का बाहर आके बिहेवियर की रहेगा, मीडिया ना गल करते ने या नहीं करते, वो चीजा देखनिया होनी। फिलहाल अभी भी उत्थे रुके हुए हैं, वेट करते हैं कि कुछ अंदरों साडे सोर्सेस कोई इन्फॉर्मेशन देंगे ने, या फिर जनमेजा सिंह सेखों आके कुछ बोलेंगे। फिलहाल उन्होंने दोबारा हाले अंदर जाना है। जी शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद नपिंदर इस पूरी जानकारी दे लई। तां दूसरा राउंड हाले पुछगिछ दा होना है, 2:30 बजे दोबारा पुछगिछ जिहड़ी है वह शुरू होनी है। लंच ब्रेक है इस वेले, 3 घंटे तक पुछगिछ जनमेजा सिंह सेखों तो की जा चुकी। पहली वड्डी खबर का रुख करते हाँ, ऋषभ पंत के